कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। ये सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पीएससी के हिसाब से। क्यों? ये है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ से कम 10 से 15 या 20 नंबर पूछने की संभावना होती है, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, अब ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन, इस हफ्ते डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस डाटा सफिशियंसी के साथ में एक एक्स्ट्रा टॉपिक और आपको, जो वर्तमान एग्जाम में आपको पूछने की संभावना करके, जो लास्ट के दो दिन का सेशन बहुत स्पेशल रहने वाला है, जिसमें आपका परमुटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ और ज्योमेट्री के बेसिक भी साथ में कवर कराएंगे, जो पिछले साल के एग्जाम में आपको पूछे हुए। क्योंकि लेवल आपका हाई हो गया है तो पूछ कुछ भी हो सकता है, तो कोको की तरफ से आपको एक्स्ट्रा बूस्टर मिलने वाला है, वो आपका समंग पर्याप्तता, ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी साथ में आने का है। पहले प्लान ये था कि सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करेंगे, लेकिन पिछले पेपर को हम जब चेक किए तो आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन, आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछना सॉल्व किया, इसलिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो डाटा इंटरप्रिटेशन है, है ना, सांख्यिकी। अब जब बात डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो ये बहुत सारे फॉर्मेट में अलग अलग जगह डिवाइड होता है। जो पहला वाला होता है वो आपका सर्कुलर वाला होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पाई चार्ट होता है। ठीक है, जो अगला है वो आपका क्या होता है, हिस्टोग्राफ वाला होता है, जिसमें अपने को इस तरीके से बना होता है, ये वाला होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लाइन ग्राफ इस तरीके से, ये वाला होता है। और उसके बाद ये हमारे पास ये टेबुलेशन फॉर्म वाला होता है। ठीक, ये बेसिकली यहाँ पर ये चार टाइप्स होते थे, अभी एक नया वैरायटी लेके आया है जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैसलेट। अभी आप फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम या लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इसमें कैसलेट वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपको पूछता है, जहाँ पर आपको रॉ फॉर्म में क्या देगा, आपके पास रॉ फॉर्म में क्या देगा, आपके पास डाटा देगा, उस डाटा को आपको जमा के आपको क्या करना है, या तो पाई चार्ट, बार ग्राफ आपको इस रूप में आपको बनाना है और वहां से आपको क्वेश्चन को डिराइव करके चलना है। ठीक है, तो आज का जो है स्टार्टिंग हम फोकस करते हैं पाई चार्ट से। ठीक है, स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, पाई चार्ट से करते हैं। ठीक, पाई चार्ट बेसिकली दो टाइप वाला होता है। पहला आपका बेस होता है, परसेंटेज वाला, दूसरा आपका बेस होता है डिग्री वाला। और आजकल जो नया पैटर्न लेके आया है वो क्या लेके आया है, आपका या तो परसेंटेज वाला होगा या तो डिग्री वाला होगा, और इसके साथ में आपको रेशियो में देगा, आपको ये रेशियो में देगा आपको, जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, इसमें आपको मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, 3:2, 1:4, 1:1, 7:3, है ना, 4:5, ये आपको अलग अलग तरीके से, अब ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक, कोशिश करेंगे हम पूरे क्वेश्चंस को कवर करने का, कहाँ कहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछते हैं, और वो पूरा हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, जब बात पहले प्रतिशत का करेंगे, पहले बात जब प्रतिशत का, परसेंटेज का करेंगे, तो हम जानते हैं कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। और जब हम बात डिग्री का करेंगे तो कंप्लीट जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसकी इनकम मान लो 10,000 रुपीज़ है, एक व्यक्ति है
उसकी इनकम मैं मान लेता हूँ 10,000 रुपीज़। ठीक, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अपन उसको क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। वो बंदा क्या कर रहा है, वो रेंट पे खर्चा कर रहा है 15%। ठीक है, वो फूड पे खर्चा कर रहा है 20% को। ठीक, और वो अदर्स में, उसके बाद जो बचा है ना, अदर्स में खर्चा कर रहा है 35%। ठीक है, और उसके बाद अंत में वो सेविंग कर रहा है। हो सकता है कि आपको सेविंग का परसेंट दो या आपको नहीं दे, और हमको सेविंग का परसेंट निकालना है। टोटल 100% होता है, तो यहाँ पर 15% किया और यहाँ पे 35% किया, तो 50 हो चुका, 50 और 20 70% हो चुका है, तो बचा हमारे पास कितना परसेंट है, 30%। तो उसने यहाँ पर क्या 30% सेविंग किया है। ठीक है, क्या किया उसने, 3% यहाँ पर क्या किया, सेविंग किया। अब यहाँ पर बोला आपको कि 100% दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 100% होता है ना, वो 360 के बराबर होता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब जो 1% है ना, वो 360/10 कटा और यहाँ पर कितना हुआ, 3.6 डिग्री हुआ। इसका मतलब जो 1% होता है ना, वो 3.6 डिग्री के बराबर होता है। अब आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि फूड का जो केंद्रीय कोण है, फूड का जो केंद्रीय कोण है, मतलब जो हमारा फूड का सेंट्रल एंगल है, फूड का जो सेंट्रल एंगल है ना, वो कितने डिग्री का है। तो ये हम जानते हैं कितना परसेंट है, 20% है। कितना परसेंट है, 20% है। और हम ये जानते हैं कि 1% कितने डिग्री के बराबर होता है, 3.6 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 20% इंटू 3.6 किए तो ये हुआ 72 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको बोलेगा यहाँ पर, ये बोला है कि रेंट पर फूड से, रेंट पर फूड से कितना परसेंट कम खर्चा कर रहा है। ठीक है, रेंट पर फूड से कितना परसेंट कम खर्चा कर रहा है। तो अक्सर जो गलती करते हैं ना, वो गलती हमारी ये होती है कि रेंट पर 15% है और फूड पर 20% है, तो 20 में से 15 गया तो कितना हुआ, 5%। ये वाली गलती नहीं करेंगे। रेंट पर खर्चा कर रहा है, किससे कम खर्चा कर रहा है, फूड से खर्चा कर रहा है। किससे, फूड से। कितने का कम कर रहा है, 5 कम कर रहा है। कितने कर रहा है, 5 कम कर रहा है और फूड से खर्चा कर रहा है ना, इसीलिए 5/20 × 100 एक बार में, 4 बार में, और ये हो जाएगा 25%। ठीक है, फिर अगर सपोज बोला है कि अदर्स पर फूड का कितना परसेंट है, अदर्स पर फूड का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 35/20 × 100 एक बार में, 5 बार में, 35×5 कितना हो जाएगा, 175। क्लियर हुआ? तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है एक बार उसको देख लेते हैं और यहां से चालू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान देख लीजिए। एक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, पुस्तक के प्रकाशन में आपको अलग अलग आपको दिया हुआ है। जैसे रॉयल्टी पे 15% खर्चा कर रहा है, प्रमोशन पे 10% खर्चा कर रहा है, प्रिंटिंग पे 20% खर्चा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में 10% खर्चा कर रहा है, पेपर कॉस्ट उसको 25% का है और बाइंडिंग उसका 20% है। इतना खर्चा करने के बाद अंत में एक बुक वहाँ पर क्या हो रही है, बन के तैयार हो रही है। ठीक है, ये आपको दिया है, पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट आपको कितना पड़ रहा है, 30,600। तो आपको रॉयल्टी का निकालना है। क्या निकालना है, रॉयल्टी का। आपको 20% दिया है, किसके बराबर, आपका जो 20% है ना, जो आपका 20% है, क्या चीज़ का, प्रिंटिंग कॉस्ट का है।
तो जो 20% है वो किसके बराबर है? वो आपका 30 इसके बराबर है। तो जो 1% होगा ना, तो वो किसके बराबर होगा? 30600 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। अब साथ में यहाँ पर क्या निकालने बोला? आपको निकालने बोला रॉयल्टी पे खर्चा। रॉयल्टी पे कितना परसेंट है? रॉयल्टी पे 15% है। रॉयल्टी पे 15% है तो हमारा 1% आ चुका है, तो रॉयल्टी में क्या हो जाएगा? 15% 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 0 कटा, हम 2 से काटे तो 1530 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, 15 × 15 कितना हो जाएगा? 15 × 15 अपन देखें तो ये 225 से थोड़ा अधिक होगा, मतलब 225000 से क्या होगा? थोड़ा सा अधिक होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक। और अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 30600, तो 3 और 6 मतलब क्या हो गया? 3 और 6 कितना हुआ? 9। तो हमारा आंसर 9 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो ये देखें, 1 और 9 10, 10 4 14, 14 5 19, 9 से भाग नहीं जा रहा है। 2 और 1 2, 2 और 2 5, 2 1 3, 3 2 5 नहीं जा रहा 9 से भाग। 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 5 14 नहीं जा रहा है। 2 2 4, 4 9 13, 13 5 18, 18 9 से भाग जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये भी आंसर होगा। हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसके, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े से लेंथी होते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। रॉयल्टी पर किए गए, ठीक है। आपको केंद्रीय कोण निकालना बताया था, आपको कैसे केंद्रीय कोण निकालते हैं? केंद्रीय कोण किसका? रॉयल्टी का। रॉयल्टी का निकालना है। रॉयल्टी कितना परसेंट है? 15% है। ठीक है, 15%। हम पहले केंद्रीय कोण वाले में टोटल डिग्री 360 डिग्री होता है, और हम ये जानते हैं जो 1% होता है वो 3.6 डिग्री के बराबर होता है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान देखना, ठीक है। डायग्राम विजिबल है, मैं साथ में रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए। रॉयल्टी 15%, प्रमोशन कॉस्ट 10%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, ट्रांसपोर्टेशन 10%, पेपर कॉस्ट 25% और बाइंडिंग 20%। डीआई सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों का पीएससी के लिए, क्योंकि 10 से 15 या 20 मार्क्स का आपको डीआई ही पूछेगा। देखिए, पुस्तक का क्रय मूल्य, विक्रम है मूल्य, 20% कितना अधिक किया? अधिक अंकित किया है। ठीक। यदि पुस्तक अंकित मूल्य 150 रुपये है, 120% अधिक अंकित किया ना, तो मूल्य कितना हो गया? 180। तो एक्स गुणित 120/100 बराबर कितना हुआ? 180। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा? 150। ठीक है। तो पुस्तक का एक प्रति में कागज की कीमत, कागज का कीमत यहाँ पर कितना है? 25% है। तो इसका 25% निकाले तो 25/100, एक बार में चार बार में इससे डिवाइड किए तो 37.5, ये हमारा आंसर। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके पास 5500 प्रति है, 5500 प्रति का परिवहन लागत मूल्य कितना है? 8250। तो मतलब मैं जब एक प्रति के बारे में बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 825/5500 कटेगा, और ये कितना हो जाएगा? 15।
मतलब आपको एक प्रति का अगर मैं परिवहन लागत मूल्य निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 15 रुपये निकलेगा। और परिवहन में कितना दिया अपने पास, यहाँ पर आ रहा है 10% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है, यहाँ पर परिवहन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास 10% आ रहा है। तो इसका मतलब x का जो 10% है, 10/100 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। x कटेगा तो ये कितना हमारे पास, 150 रुपये हमारे पास आया। ठीक, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य पड़ेगा वो हमारे पास कितना आ रहा है, 150। और हमको कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो 150 × 125/100 करेंगे, 25×5 = 25×4 तो 750/4, ठीक है ना। 18×72 30 में 7.50, ये हमारा आंसर। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना कम है। देखिए रॉयल्टी पे कितना है, रॉयल्टी पे आपको दिया है 15%, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना दिया है, 20%। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपको यहां पर क्या दिया, 20% दिया है प्रिंटिंग कॉस्ट, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट आपको कितना दिया, 20% दिया है, और 15% आपके पास यहां पर क्या है, रॉयल्टी है। तो हम बिल्कुल दिमाग ऐसे नहीं लगाएंगे कि रॉयल्टी पर यहां पर क्या 5% का कम है, ये हम एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखना। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहां पर अगर मैं बोलूंगा 15% 20% से कितना कम है, तो कितने का फर्क है, 5, 20 से 15 जा रहे हैं, तो 5/20 × 100 एक बार में, 4 बार में, और ये हमारे पास हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न आ जाते हैं, विजिबल नहीं हो तो बड़ा लिख देता हूं मैं। ये आपका 30 है, 38, 52, 42, 51, 49, है ना, 46 और ये 58 है, ठीक है। ये हमारे पास विलेज है ना, एक्स वाई जेड आर एस टी और वी, है ना, ये विजिबल है आपके पास। 15%, 11%, 16%, ये भी 11%, ये 21%, ये 10% और ये 16%, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है ना। देखिए डीआई में क्या होता है मालूम, एक तो ये तरीका है कि आपने उसको पूरा सॉल्व किया और एक आंसर लेके आए, दूसरा ये होता है कि आप एक एजम्पशन पे जहां पर डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी आप सामान्य तरीके से आंसर लेके आ सकते हैं, तो वो तरीका आपको बताने वाला हूं। ये बोला है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आर इज, 1997 में कितना दिया हमारे पास, 32,000, ठीक है। यहां पे जब बात कर रहे हैं आर का, जो आर है ना, आर कितना दिया है, आर आपको दिया है 32,000, ये आपको दिया है, ठीक है। तो हमको निकालना है वाई जो विलेज है, जो वाई विलेज है, वाई मतलब जो भी आपके पास वाई विलेज है, तो वाई में आपका कितना परसेंट है, वाई में आपका 15% है, ठीक। वाई में कितना परसेंट है, 15% है, ठीक। पॉपुलेशन वाई का बिलो पॉवर्टी लाइन निकालना है, क्या निकालना है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, क्या निकालना है, बिलो पॉवर्टी लाइन निकालना है। तो हम यहां पे देखें विलेज वाई का बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर हमको कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से 52 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, एक ही नंबर जो डिवाइड होता है 52 से, वो है हमारा 15600, और हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज हमको लग रहा है कि नहीं ये आंसर जस्टिफाई, आप डायरेक्टली बता दिए सर विच सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक।
हमको यहां पर दिया है आर, आर मतलब जो 16% है, आर मतलब 16% है, वो हमको दिया हुआ है 32,000। तो जो 1% है ना वो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 16 से तो 2,000। ठीक, वाई में कितना परसेंट दिया, वाई में आपको दिया 15%। तो जब बात वाई की करेंगे तो वाई में कितना हो जाएगा, 2,000 गुणित 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,000। ठीक है, गुणित वाई में बिलो पावर ट्रेन में कितना दिया हमारे पास, 52% दिया है। तो इसका हमने 52 बटे यहाँ पर क्या किया, 100 किया, ये कटा 52 दिया 156 और 00, ऑटोमेटिकली यही आपका आंसर आना है। जब आपके बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना तो आपको डिविजिबिलिटी वाला रूल आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। टी का बिलो पॉवर्टी लाइन, टी का क्वेश्चन क्या पूछा है, टी का बिलो पॉवर्टी लाइन और जेड का बिलो पॉवर्टी लाइन, जेड का बिलो पॉवर्टी लाइन, हमको ये दोनों का रेशो निकालना है। किसका, टी का जेड के साथ में हमको निकालना है, टी का जेड के साथ में निकालना है। टी का पॉपुलेशन कितना है, हमको क्या निकालना है, टी का बिलो पॉवर्टी लाइन निकालना है जेड के बिलो पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, टी का बिलो पॉवर्टी लाइन, टी में कितने परसेंट है, 21%। टी में कितने परसेंट है, जब बात करेंगे टी में कितना परसेंट है, 21%। और इस 21% में, टी में 21% में क्या दिया हमारे पास, 46। ठीक, बात करते हैं जड़ का, जड़ में कितना परसेंट दिया, जड़ में दिया है 11 दिया हुआ है, और 11 के साथ में कितना दिया है, 11 के साथ हमको यहां पर कितना दिया, 46 दिया है। ठीक है ना, किसका, सॉरी जड़ का कितना दिया, 42 दिया। 21 एक बार में, 21 दो बार में, 2 एक बार में, 2 23 बार में, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 23:11, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आते, ध्यान देखना, ठीक, थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आपको कंफर्टेबल तरीके से दिखे। एस है ना, इसमें बात किसका हो रहा है, एस का हो रहा है, तो एस हम कर लेते हैं 49 और एक्स हम कर लेते हैं 38। ठीक है, चलो पॉपुलेशन एस का निकालना है, हमको क्या निकालना है, किसका निकालना है, हमको फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस का निकालना है, निकालना हमको एस का है। और एस कितना परसेंट दिया, थोड़ा ध्यान से देखना, एस कितना परसेंट दिया, 11%। एस कितना परसेंट दिया है, 11%। ठीक है, अब देखते हैं 11 से कौन से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या, नहीं, ये हो रहा है क्या, हाँ ये हो रहा है, तो हम एक एजम्पशन कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हम एजम्पशन कर लेते हैं क्योंकि 11 से वही डिवाइड हो रहा है हमको, है ना, क्योंकि विलेज एस का पूछा हमको, एस में 11% है। अब जस्टिफाई करते हैं उसको, ठीक, जस्टिफाई कैसे करते हैं, हमको यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 12160। विलेज बात कर रहा है एक्स का, एक्स में कितना परसेंट है, एक्स में 16% है, पूरा पॉपुलेशन पी मान लेते हैं, पी का जो 16% है, 16/100 इंटू यहां पर क्या दिया, एक्स का ही बिलो पॉवर्टी लाइन कितना दिया, 38%, तो 38/100 ये हमारे पास 12160 के पास है। ठीक, तो इसका मतलब जो P का वैल्यू होगा वो होगा 12160, है ना भाई, 12160 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 38। ठीक है, ये हमारे पास आया, चलो 38 1 जार 38 3 जार कितना हुआ, 1 1 14 और 76 मतलब 2, ये हमारे पास बचा 320। 16 एक बार में, 16 20 बार में, ये मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही है ना, ठीक, इतना ही हमारे पास 38 से किया तो। ठीक है भाई, उसका फिर क्या निकालना है, अपने पास 11% निकालना है,
ठीक है सर, कितना निकालना है? 11%, तो उसे 11/100 से मल्टीप्लाई कर लो, 11% ना, तो 11/100 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना बचा? 22,000। ये हमारा आंसर। आपको डीआई में ना ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे इस तरीके से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई एंड वी, तो वाई और वी का ले लेते हैं भाई। वाई 52, वी 58, ध्यान से देख लो, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा है कि आपके पास ये जो गांव वाई और वी है ना, वाई और वी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का जो परसेंटेज है ना वो सभी के लिए परिवर्तित है। मतलब ये जो परसेंटेज है ना बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, इसमें आपके पास कुछ नहीं हो रहा, वैसे का वैसे इसका वैल्यू यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिक्स बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वी वाई और वी का जनसंख्या 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। गांव वी की जनसंख्या 98 में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ज्ञात करना है, गांव वी की जनसंख्या 98 में गरीबी रेखा से नीचे का ज्ञात करना है, यह देखते हुए कि गांव वाई की जनसंख्या 97 में कितना था, 30,000 था, ठीक। गांव वाई की जनसंख्या, गांव वाई की जनसंख्या कितना है हमारे पास, 15% है। पूरा पॉपुलेशन अपन लोग क्या मान लेते हैं, पी, मतलब पी का जो 15% है 15/100, ये किसके बराबर हुआ, ये हमारे पास हुआ 30,000 के पास हुआ एक बार में, और ये 2,000 बार में, तो ऑब्वियसली पी का वैल्यू कितना हो गया, मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ में 00, ठीक है। ये किसका हुआ, कंप्लीट जनसंख्या। बात क्या करा अपने को, वी का निकालना, वी कितना परसेंट है, वी 10% है, तो जब हमने इसका 10% निकाला तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये कट गया, ठीक है, 10 हमारे पास क्या हो गया, कट गया। और हमको निकालने क्या बोला है कि उस वी में जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ, तो ये कितना हुआ, 110/100, ये कंडीशन हुआ। और क्या बोला है, वी का गरीबी जनसंख्या से नीचे, वी में कितना परसेंट है हमारे पास, 58% है, तो इसका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 58/100 क्या कर लिया, 100 कर लिया, ठीक है। तो ये 00 और ये 00 कट गया, ये 00 और ये 00 कट गया, दो को मल्टीप्लाई किए इससे तो हमारे पास कितना हुआ, 116 × 110, ठीक है, यही हमारे पास हुआ। अब इसको हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कितना आया, 12760, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चंस बस आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, बहुत टफ लगते हैं, लेकिन उतने टफ होते नहीं हैं, ठीक है। क्रिकेट अब परसेंट, अब डिग्री वाला है, क्रिकेट 81 डिग्री, हॉकी 63 डिग्री, फुटबॉल 54 डिग्री, अदर्स 31 डिग्री, गोल्फ 36 डिग्री, टेनिस 45 डिग्री और बास्केटबॉल 50 डिग्री। टेनिस का निकालना है, टेनिस कितना परसेंट है, 45% है ना। टेनिस पर कुल खर्च का कितना परसेंट खर्च किया जाता है, टेनिस पर कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, टोटल डिग्री कितना होता है, 360 होता है, तो 45/360 × 100, एक बार में 8 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक है ना, ये एक्चुअली पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट है यहाँ पर, और ये 12.5% है, ठीक है, 12.5%, ये हमारा आंसर होगा। टाइपिंग थोड़ा सा इधर नीचे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी और गोल्फ का बात हो रहा है, ठीक, हॉकी 63%, गोल्फ 36%,
सॉरी 36 डिग्री है ना, ये इट इज डिग्री, यहाँ डिग्री में बात हो रहा है ना। देखो क्या बोल रहा है, हॉकी पर गोल्फ से कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। हॉकी पे हो रहा है 63, गोल्फ पे हो रहा है 36। तो मुझे ये पता करना है ये जो 63 डिग्री है ना 36 डिग्री से कितना अधिक है, मतलब 36 से कितना अधिक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 27/36 मल्टीप्लाइड बाई 100। 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 4 एक बार में, 4 25 बार में, 25 तीय कितना हो जाएगा, 75%। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर बी रुपीज 18, है ना, उसके बाद अपने पास क्या 60 है, तो कितना 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakhs, 10 lakhs crores, 1 crore 80 lakh, ओके माय गॉड, इट्स 1 crore 80 lakh अगर स्पेंट हुआ है, ठीक है, ऑफ द अमाउंट, अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल, मतलब बास्केटबॉल पर खर्च की राशि टेनिस से कितनी अधिक है, ठीक है, बास्केटबॉल पर बोला है टेनिस से कितना अधिक खर्चा किया है, ठीक है, बास्केटबॉल पर 50 डिग्री है और टेनिस पर 45 डिग्री है, ठीक है ना, बास्केटबॉल पर 50 और टेनिस पर 45। तो जब इन टर्म्स ऑफ डिग्री गए तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 डिग्री के बारे में बात हो रहा है, कितने डिग्री का, 5 डिग्री। पूरा खेल अपने पास किस चीज का है, पूरा जो खेल है ना हमारे पास डिग्री का चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हुआ 5 डिग्री, क्या कर रहा है, अधिक खर्चा कर रहा है, 5 डिग्री मतलब कितना हुआ, 5/360 मल्टीप्लाइड बाई 180 और 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास हुआ, ठीक है भाई, ये कटा और हमारे पास ये कटा, 36 एक बार में, ठीक है, 36 एक बार में, 36 5 बार में, तो यहाँ पर 5 × इस 5 के साथ 1, 2, 3, 4 0 बचा, मल्टीप्लाई करें तो 5×5 कितना हो जाएगा, 25 और 1, 2, 3, 4 0 बचेगा, तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्चा किया जाता है, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितना परसेंटेज कम खर्च किया जाता है, ठीक है, ये 3-3 है कुछ, देखिए फुटबॉल पर कितना कर रहा है 54, क्रिकेट पर कितना कर रहा है 81, इन टर्म्स ऑफ दो डिग्री ले रहे हैं, तो हमको ये पता करना है कि 54 81 से कितना कम है, कितने का फर्क है, 27, 81 से अपन 54 गए ना, नीचे कितना हुआ 81 मल्टीप्लाइड में, एक बार में, तीन बार में, 100/3 कितना हो जाएगा, 33.3%, ये हमारा आंसर। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 2 crore है तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी थी, किस किस का बोला है, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है, चलो क्रिकेट पर 2 crore है ना, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakhs, 10 lakhs और crores, ठीक, टर्म्स ऑफ करोड़, हॉकी और क्रिकेट दोनों प्लस किए तो 144,
अपॉन 360, ठीक है, 36 चार बार में, 36 दस बार में, यहाँ किए और यहाँ पर किए, चार दूनी आठ, आठ के बाद एक दो, दो दो चार और दो छः, तो छः यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये डबल ग्राफ वाला है। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, 2000 और 2001 दो वर्ष दिया हुआ है। ये जो आपका, ये आपका जो ये वाला है ना, ये आपको बता रहा है 2000 को, ठीक है ना, और ये जो रेड है ना, ये आपको बता रहा है 2001 को, ठीक। और यहां पर क्या नंबर ऑफ सेल्स इन 1000 बता रहा है, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यह बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपको यह बोल रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का, दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से क्या अनुपात है। B2 का ना, B2 का 75 और 65, B2 का 75 और 65 प्लस किए तो कितना हुआ, प्लस किए तो हुआ 140। फिर किसका बोला है, B4 प्लस किए तो 180, तो व्हाट इज द रेशियो, 7:9, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, दोनों वर्षों में B6 शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्ष में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। दोनों वर्षों में B6 की कुल बिक्री, B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में 70 + 80 = 150, B3 प्लस किए तो 205, तो ये 150 ना 205 का कितना परसेंट है, तो 150 अपॉन 205 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 से 30 बार में, 5 से 41 बार में ये मल्टीप्लाई किए तो 3000/41, लगभग 7 बार में 287 तो 30 बचेगा, 130 का 3 बार में 73 point something, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 है ना, B1, B2, B3 2001, चलो 2001 B1, B2, B3 2001 B1 B2 B3, एवरेज किसका, B1, B3 और B6, B3 और B6 और B3 सॉरी, कब का बोला, 2000 बने, वापस देख लेते एक बार, 2000 का है ना, 2000 का B1 80 B1 B3 2000 का B3 95 + B6 2000 का B6 70, ये 70 ठीक है ना, 2000, अच्छा उल्टा निकालना है तो दोनों,
ये प्लस के तो कितना हुआ, ये प्लस के तो 80 और 70 150, 150 और ये प्लस किए तो कितना हुआ, देखो ये हुआ 5, 8 और 9 17, 17 24 का 4 हासिल, तो 245। यहाँ प्लस किए तो कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 5, है ना, 5 हुआ, सॉरी 5 और 5 10 हुआ, 5 और 5 कितना हुआ 10 हुआ, 1 10 और 1 11, 11 6 17, 17 और 11 28। ठीक है, अच्छा उल्टा पूछा, एक्चुअली में ये बोला है कि 245 जो है ना वो 280 का कितना परसेंट है, ये आपको ये पूछा। ठीक है, 2001 में जो था ना औसत बिक्री परसेंट कि 2020 का कितना परसेंट, 2020 का कितना परसेंट उल्टा निकाला अपने को। ठीक है, इसको अपन राउंड अप में कितना ले, 240 ले लेते हैं। ठीक, इजी पड़ेगा, 40 से 6 बार में, 40 से 7 बार में, तो 600 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 600 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 अपन लेंगे, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। ठीक है ना, 7 अट्ठे क्या हो जाएगा 56, बचेगा 40, 85, तो राउंड अप में कितना बचेगा, सबसे नज़दीक कौन सा है, ये हमारे पास 87.5, ये हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2000 का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है ना, सभी सालों का 2000 का 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 बटे कितना हो जाएगा 5 5 10 10 5 15 5 20 का 0 हासिल, 2 8 10 10 7 17 17 9 26 26 8 34 34 और 14 34 और 14 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 80, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अच्छा अगला 3 का है ना, एकदम इजी है, B1, B3 और B5 टुगेदर, B1, B3 और B5 फॉर बोथ द ईयर्स, B1 दोनों मिला कितना हुआ 185, B3 दोनों मिला के कितना हुआ 205, B5 दोनों मिला कितना हुआ 80 और 90 170, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 7 16 आपका 6, ठीक है हासिल 1, 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5, 560 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 वाले में आ जाते हैं, नीचे दिया गया जो है ना जो ग्राफ है, पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनी एक्स वाई और जेड द्वारा कागज के उत्पादन लाख में आंकड़ों को दर्शाता है, 3 कंपनी हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, और ये आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, किसमें दिया अपने को, प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लैक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और ये अपने को अलग अलग वर्ष दिया हुआ है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि गिरावट कंपनी वाई के लिए अधिकतम है, वाई के लिए बोला है ना, वाई मतलब अपन रेड से कर रहे हैं। ठीक है, रेड से कर रहे हैं स्टार्टिंग 25 से 35 अगले साल, उसके बाद अगले साल भी 35, फिर अगले साल 40 और उसके बाद 50, ये हमको दिया। ठीक है, ऑब्वियसली इंक्रीज ही हुआ इसमें, है ना, इसमें यहां पर क्या बोला अपने पास, जो वृद्धि और गिरावट अधिकतम है, तो इसमें क्या वृद्धि हुआ, बस एक जगह कांस्टेंट है ना, यहां पे देखे तो 5 बहुत कम है, यहां पे देखे तो 0, यहां पर देखे तो 5 बहुत कम है, फर्क यहां पर 10 और यहां पर 10, तो 40 से 50 हुआ, तो 10 बटे 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हुआ 25%, 25 से 35 गए तो 10 बटे 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये कितना हुआ 40%, ये दिखे ना भाई,
तो 25-35 गए, मतलब 96 से 97 में गए, तो 97 में यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। याद रखना 96 अपन लोग कहाँ गए, 97 में गए हैं, ठीक है। चलो ये अगला, 98 से 2000 की अवधि में, 98 से 2000 में ना, कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का, ठीक है, कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का उस अवधि में, उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन से क्या अनुपात। चलो पहले अपन एक्स में आते हैं, 98 से अपन लोग क्या करते हैं, 98 से 2000 में आते हैं, 98 से 2000 में कंपनी किसका बोल रहा है, एक्स का, एक्स मतलब सबसे सामने वाला, ये आपका हुआ 25। अगली बार आए तो यहां पर 50 और यहां पर आए तो 40, ठीक। किससे बोला है, कंपनी वाई से, कंपनी वाई में आते हैं मतलब सेकंड वाले में, 98 से ये दिया है भाई 35 प्लस, अगली बार आए तो कितना हुआ हमारे पास 98 में, यहाँ पे ये कितना आया 40 प्लस, किस में अपन लोग इसमें आए तो ये कितना हुआ 50, ठीक। 90, 115, 125, 23 और 25, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 23:25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 ईयर्स वॉज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी, 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम था, इसमें सबका निकालना पड़ेगा, औसत बोला है ना, तो 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। चलो अपन एक्स में आते हैं, एक्स में आते हैं 30, पहले बात करते हैं अपन एक्स में, 30 और 45, 75, 75, 25, 100, 100 और 50, 150, 150 और 40, 190, एक्स 190 टोटल। चलो वाई में आते हैं, वाई में आते हैं 25 और 35, 60 और 35, 95 और 40, 135, 135 और 50, 185। चलो जड़ में आते हैं, 35 और 40, 75, 75 और 45, 120, 120 और 35, 120 और 35, कितना हुआ 155, 155 और 35, 190, 190, तो ये दोनों बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स आंसर। किस वर्ष में कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत वाई कंपनी के उत्पादन अधिकतम था, किस वर्ष में कंपनी जेड का उत्पादन वाई से अधिकतम था, जेड का उत्पादन वाई से अधिक, जेड का उत्पादन वाई से अधिक, ठीक है। जेड का उत्पादन वाई से अधिक आपको कब कब दिख रहा है, आपको ये देख लेते हैं, जड़ का उत्पादन वाई से आपको 96 में दिख रहा है, 97 में भी दिख रहा है, 98 में भी दिख रहा है, 90 में तो आपको कम हो रहा है ना, क्योंकि ये बोला है ना कंपनी जड़ का एक्स से, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा है, 25 से 35, तो मतलब 10/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार में 40%, 97 में 35 से 40 बहुत कम है, 98 में
35 से 45 ये भी कम है, 35 से 45, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा 10/35 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे क्या होगा कमी होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 96 से 99 कंपनी वाई का ना, कंपनी वाई 96 से 99, पच्चीस से कितना गया 40 गया, कितने का फर्क है 15/25 मल्टीप्लाइड बाई 25 एक 25 चार 15 चौक कितना हुआ 60, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो